सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और हम लोग आज सर्कुलर ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे, अपना लेक्चर जो हमारा सेकंड चैप्टर का है। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेम से, उसमें आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, 888-1988-317, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सर्कुलर ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। लिखा है कि इन एवरी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी में थ्री एक्टिविटीज़ कभी भी स्टॉप नहीं होती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना, इनकम का जनरेशन होना और एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्टिविटीज़ कभी भी स्टॉप नहीं होती हैं। प्रोडक्शन मेथड आगे जाके बन जाता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इनकम जनरेशन बन जाता है इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर हमारा क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड आगे जाके बन जाता है, ठीक है। अब आपके चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये सारे हमारे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब समझे, फैक्टर इनकम मतलब होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पैसा मिलता है, प्रोड्यूसर देता है, वही उनके लिए क्या है, फैक्टर इनकम है, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने बात बताई आपको। अब देखिए, हमारे दो तरीके के खर्चे होते हैं। बस सबसे पहली बात, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। जब कंज्यूमर कोई फाइनल गुड्स खरीदता है तो उसमें जो खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जब प्रोड्यूसर कोई फाइनल गुड्स परचेस करता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखिए, इन सारी एक्टिविटीज़ का कब बिगिनिंग हुई थी, कब एंड होगा, इनमें हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल। ये सारे क्या है, फ्लो वेरिएबल हैं, क्योंकि ये एट अ पीरियड ऑफ टाइम देखे जाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि 1 आवर, 1 मिनट, 1 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये सारे हमारे क्या है, फ्लो वेरिएबल हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी हमारा फ्लो वेरिएबल होता है। तो क्या लिखा है, दीज हैव बीन इन एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल विदाउट बिगनिंग एंड। ये ऐसा सर्कल है जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, ना ही कोई एंड है, ठीक है ना। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है हमारा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक सर्कल है किसका, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, इनका एक सर्कल है। थ्री एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड होती रहती हैं, ठीक है। अब देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में समझेंगे हम लोग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, रिफर टू द अनएंडिंग फ्लो, अनएंडिंग फ्लो है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, अनएंडिंग फ्लो है हमारा, और ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, किनका अनएंडिंग फ्लो है, प्रोडक्शन का, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर का। किनका हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, किसका फ्लो है, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में थ्री एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड होती है, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये जो थ्री एक्टिविटीज़ हैं, ये प्रोडक्शन हो गया और इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये तीनों किसके अराउंड होती हैं, अराउंड डिफरेंट सेक्टर से रिवॉल्व अराउंड होती हैं। हमारे तीन सेक्टर, सॉरी चार सेक्टर्स थे, एक था प्रोड्यूसर सेक्टर, एक था हाउस होल्ड सेक्टर, एक था गवर्नमेंट सेक्टर और एक था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों से मतलब नहीं, हमें सिर्फ प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर से मतलब है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर से जो हमें मतलब है, तो उसी के बारे में ही हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को हमें इग्नोर करना है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड इन पर्टिकुलर। प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में पढ़ना है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में पढ़ना है। और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, तीन चीज़ें पढ़नी है, प्रोडक्शन होना और इनकम जनरेट होना और एक्सपेंडिचर। किन के रेफरेंस में पढ़ना है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के रेफरेंस में पढ़ना है, ठीक है। इन तीनों एक्टिविटीज़ को हमें दो सेक्टर्स के हिसाब से देखना है, दो सेक्टर में कैसे रिवॉल्व अराउंड होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लिखा है ईच एक्टिविटीज इज द कॉज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेज। हर कोई भी एक्टिविटीज होती है तो उसका कोई ना कोई कॉज और इफेक्ट होता ही होता है, ठीक है। प्रोडक्शन अगर हुआ है तो प्रोडक्शन इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर जनरेट इनकम। अगर प्रोडक्शन हुआ, जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं अगर प्रोडक्शन करता हूँ तो मैं उससे क्या जनरेट करूँगा, इनकम जनरेट करूँगा। तो इनकम जनरेट करूँगा तो मैं इनकम किसको दूंगा, मैं पहले खुद अपने पास कुछ ना कुछ पैसा रखूँगा और कुछ ना कुछ उनको पैसा दूंगा जिनके थ्रू मैंने काम करवाया, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर को मैं पैसा दूंगा। क्यों, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर ही से तो फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन लेता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है। तो जब वो माल बना लेता है तो जब उसकी कुछ इनकम होती है तो हाउस होल्ड सेक्टर वो क्या कर देता है,
पेमेंट कर देता है, फैक्टर पेमेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने बात देख ली कि प्रोड्यूसर, देखिए लिखा है प्रोडक्शन इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर जनरेट इनकम फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर हु आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन जब होता है जनरेट इनकम फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर क्या करता है जनरेट करता है इनकम हाउस होल्ड सेक्टर से, और हु आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड जनरेट डिमांड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर से इनकम जनरेट करता है भाई, इनसे काम कराता है तो उसकी इनकम जनरेट होती है। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स की डिमांड करता है, गुड्स की डिमांड किससे करेगा, प्रोड्यूसर से करता है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, गुड्स की डिमांड करता है, तो जब गुड्स की डिमांड होती है तो गुड्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब पहले होता है गुड्स का प्रोडक्शन, जैसे ही हुआ गुड्स का प्रोडक्शन तो क्या होगा, गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो गुड्स बिकेगा, गुड्स बिकेगा तो हमारी क्या जनरेट होगी, इनकम, इनकम जनरेट होगी। तो इनकम प्रोड्यूसर क्या करेगा, कुछ अपने पास रखेगा, कुछ इनको दे देगा, और उसी इनकम से ये लोग क्या करेंगे, उसी इनकम से फिर से गुड्स की डिमांड करेंगे, गुड्स में खर्चा करेंगे, और जब गुड्स की डिमांड करेंगे तो फिर से क्या होने लगेगा, प्रोडक्शन। तो मतलब आप बात समझिएगा, पहले गुड्स बने, गुड्स बने, जब गुड्स बने तो उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर के पास इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई तो प्रोड्यूसर ने कुछ पैसा अपने पास रखा और कुछ पैसा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जहाँ से हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करा था उनको दे दिया। जब उनको पैसा दे दिया तो वो लोग क्या करेंगे, अब पैसे का क्या करेंगे, हम लोगों को पैसा अगर मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड करते हैं कोई ना कोई चीज़ों की, तो डिमांड हम किससे करेंगे, फिर से प्रोड्यूसर सेक्टर से करेंगे। तो जब हम डिमांड करेंगे तो फिर से प्रोडक्शन होगा, तो पहले प्रोडक्शन हो रहा है, फिर इनकम जनरेट हो रही है, और फिर हम लोग खर्चा कर रहे हैं, और खर्चा करने के बाद गुड्स की हम डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन फिर से हो रहा है। तो मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि पहले प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, और फिर एक्सपेंडिचर हो रहा है, फिर से प्रोडक्शन होने लगा है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। अब देखिए थ्री फेजेस ऑफ इनकम सर्कुलर फ्लो, थ्री फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो के। सबसे पहली बात, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, फिर इनकम जनरेट होती है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। डिस्पोजिशन मतलब क्या, डिस्पोज करना, डिस्पोज मतलब क्या होता है, खर्चा करना, ठीक है ना, डिस्पोज करना, इनकम का डिस्पोजिशन करना मतलब खर्चा करना, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहला हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सबसे पहला स्टेप क्या था, प्रोडक्शन होना। अगर प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है 10 रुपए का, उससे 20 रुपए का कोई चीज बन गई, प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन करने में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, 10 रुपए का कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो क्या ऐड करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, यही आगे जाके क्या बन जाता है, वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम जीडीपी एमपी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जीडीपी एमपी से, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वैल्यू एडिशन होता है। मान लीजिए कोई लकड़ी थी आपके पास 5000 रुपए की, उसको आपने शेयर में कन्वर्ट कर दिया 10000 रुपए का, तो आपने कितने का वैल्यू एडिशन करा, 5000 रुपए का। तो प्रोडक्शन व्हाट इज दैट, दिस इज व्हाट प्रोडक्शन मींस, प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन होता है, और वैल्यू एडिशन कौन करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर करता है, ठीक है। प्रोडक्शन भी हमारा प्रोड्यूसर करता है, और वैल्यू एडिशन भी कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। तो द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर, अब एक बात बताइए, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करा, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करा, तो प्रोड्यूसर ने जब प्रोडक्शन करा तो उसने क्या करा, वैल्यू एडिशन करा। अब वैल्यू एडिशन जब करा, जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किनकी हेल्प से कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किनकी हेल्प से कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की हेल्प से ही तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कहाँ से ला रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो हाउस होल्ड सेक्टर से ला रहा है, जो कि ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर काम कराने के लिए लोग कहाँ से लगता है, हाउस होल्ड सेक्टर से, जो कि क्या है, ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। और जब प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ बनाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक डब्बा बनाना है, तो डब्बा बॉक्स अगर बनाना है उसे, तो दो तरीके के इनपुट लगाता है, एक होता है फैक्टर इनपुट और एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट में क्या डिफरेंस होता है, फैक्टर इनपुट हमारे होते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और नॉन फैक्टर इनपुट हमारा होता है रॉ मटेरियल। तो दो तरीके के इनपुट लगाने के बाद प्रोड्यूसर क्या करता है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता है, वैल्यू एडिशन करता है। तो वही यहाँ बात लिखी है, द फैक्टर इनपुट आर यूज अलॉन्ग विद द नॉन फैक्टर इनपुट। कभी भी कोई भी जब प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो फैक्टर इनपुट मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और नॉन फैक्टर इनपुट मतलब कि रॉ मटेरियल का यूज करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है,
और गुड्स का प्रोडक्शन करता है और फिर लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अब एक बात आपको ध्यान हो अगर कि लोगों की वांट्स का कोई ह्यूमन वांट्स का कोई एंड नहीं है, इसलिए गुड्स का प्रोडक्शन का भी कभी कोई एंड नहीं, गुड्स भी प्रोड्यूस होते रहेंगे और ह्यूमन की वांट का भी कोई एंड नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन हो गया भाई देखिए एक सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर ने क्या करा, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सब लिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा, उनकी हेल्प से गुड्स ने प्रोड्यूसर ने क्या करा, प्रोडक्शन करा, जब उसकी हेल्प से उन्होंने प्रोडक्शन करा प्रोड्यूसर ने, तो उसको इनकम जनरेट हुई, कुछ ना कुछ पैसा उसके पास आया, बेच के माल पैसा आएगा, तो उसने क्या करा, इनको पैसा दे दिया, हाउस होल्ड को क्या करा भाई, काम कराएगा तो पैसा देगा, तो जो उसने प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज ली थी हाउस होल्ड सेक्टर से, तो उसको क्या करा, उसका पे ऑफ कर दिया, उसको पैसा दे दिया, तो इसने क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर ने क्या करा, फैक्टर पेमेंट कर दी इनको, ठीक है। अगर हाउस होल्ड से उसने लैंड ली थी तो उसको रेंट दे दिया, लेबर लिया था तो वेजेस दे दिया, कैपिटल लिया था तो इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योर लिया था तो प्रॉफिट उसको दे दिया, तो ये सब उसने क्या करा, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड सेक्टर को एक तरीके से इनकम दे दी कि नहीं दे दी, फैक्टर पेमेंट कर दी। अब देखिए क्या लिखा है, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, जब हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को, तो हाउस होल्ड को क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है, क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, जैसे लैंड के लिए रेंट मिल जाता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिल जाता है, और जो हमारा लेबर है उसको वेजेस मिल जाता है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये सब की चीज़ें क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर प्रोड्यूसर वो कुछ कोई पैसा हाउस होल्ड को दे रहा है तो वो फैक्टर पेमेंट है, प्रोड्यूसर के लिए वो पैसा क्या, फैक्टर पेमेंट है। अगर वो पैसा हमारे लिए क्या है, वो पैसा हमारे लिए फैक्टर इनकम है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, पैसा एक ही है। अगर प्रोड्यूसर हमें दे रहा है तो वो पैसा प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट है, बट हमारे लिए वो फैक्टर इनकम है, ठीक है ना, इनकम है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पैसा क्या है, फैक्टर इनकम है। तो फेज टू में हमने क्या पढ़ा, इनकम जनरेशन, यही आगे जाके क्या बन जाता है, इनकम मेथड बन जाता है, जिसको हम NDPFC से डिनोट करते हैं, ठीक है, NDPFC से, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउस होल्ड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम एज अ कॉन्सिक्वेंसेस। अब इनकम कैसे जनरेट हुई, गुड्स का प्रोडक्शन हुआ था, तो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ था तो अब वैल्यू एडिशन किस में चेंज हो गया, फैक्टर इनकम में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया भाई, पहले प्रोडक्शन करा था, प्रोडक्शन करा तो वैल्यू एडिशन हुआ, मतलब गुड्स में वैल्यू एड हुई, अब वही वैल्यू एडिशन किस में चेंज हो गया, फैक्टर इनकम में, भाई प्रोड्यूसर ने क्या करा था, 10 रुपए की चीज, 10 रुपए का रॉ मटेरियल था और 20 रुपए की उससे कोई चीज बनाई थी, मतलब प्रोडक्शन करा था तो 10 रुपए का वैल्यू एडिशन करा था, 10 रुपए का वैल्यू एडिशन करा, अब यही वैल्यू एडिशन किस में चेंज हो गया था, फैक्टर इनकम में, फैक्टर इनकम मतलब वो पैसा जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को दे रहा है, तो हाउस होल्ड के लिए वो क्या है, फैक्टर इनकम है, और प्रोड्यूसर के लिए वही पैसा क्या है, फैक्टर पेमेंट है, ठीक है। अब देखिए अब हमारे हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, हाउस होल्ड ने जो अपनी सर्विसेज दी थी उसके बाद उसके पास पैसा आ गया है हाउस होल्ड के पास, अब वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा खर्च होगा, परचेस, नहीं नहीं, हम लोगों के पास जो पैसा आता है हम कमा के लाते हैं, तो वो हम लोग पैसा क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में खर्च करते हैं। हाउस होल्ड क्या करेगा, व्हेन हाउस होल्ड बाय द फाइनल गुड्स, जब हाउस होल्ड फाइनल गुड्स बाय करेगा तो उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जब प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स बाय करता है तो उससे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इनकम जनरेट होने के बाद क्या हो रहा है, इनकम जनरेट होने के बाद खर्चा हो रहा है। अब एक बार बताइए खर्चा कभी रुकेगा नहीं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कभी रुकेगा नहीं, तो जब खर्चा ही नहीं रुकेगा तो गुड्स की डिमांड होना भी नहीं रुकेगा, और जब गुड्स की डिमांड होना नहीं रुकेगा तो हमारा गुड्स का प्रोडक्शन होना कभी नहीं रुकेगा, जब गुड्स का प्रोडक्शन होना कभी नहीं रुकेगा तो वैल्यू एडिशन कभी नहीं रुकेगा, मतलब, और जब वैल्यू एडिशन नहीं रुकेगा तो इनकम भी जनरेट कभी होना नहीं रुकेगी। तो ये तीनों क्या इंटरलिंक्ड है, मतलब कि प्रोडक्शन होगा फिर इनकम जनरेट होगी आई, और फिर उसके बाद क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा, तो ये तीनों एक्टिविटीज क्या है आपस में इंटरलिंक्ड है। सर्कुलर ऑफ इनकम में यही बताया गया है कि प्रोडक्शन होना मतलब वैल्यू एडिशन, इनकम जनरेट होना एक्सपेंडिचर होना, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, और इन तीनों को समझाया किसके थ्रू गया है, प्रोडक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर को इन तीनों को समझाया गया है विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू समझाया गया, ठीक है ना। अब देखिए तो ये क्या हो गया, ये हमारी ट्रिपल आइडेंटिटी है, ट्रिपल आइडेंटिटी मतलब कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन और इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसमें थ्री आप भी साइन भी लगा सकते हैं, 3 साइन और 2 साइन इक्वल है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन है तो उसमें यहाँ यूज करा गया, इसका मतलब यही होता है कि तीनों एक दूसरे के क्या है आइडेंटिकल है, मतलब तीनों एक दूसरे सेम है,
कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बनाने में कुछ नहीं है, आपको बहुत टफ लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या करा जाता है, जो हमने रियल फ्लो पढ़ा था, रियल फ्लो मनी फ्लो, दोनों के पार्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है, दोनों के पार्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है। रियल फ्लो में हमने क्या पढ़ा था, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, और मनी फ्लो में हमने पढ़ा था मनी का फ्लो, ठीक है। तो रियल फ्लो पहले देखिएगा, देखिए ये जो सेल, देखिए प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स कर रहा है, तो ये सेल ऑफ गुड्स किस में जाएगा, रियल फ्लो में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि गुड्स के सेल की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड क्या जाता है, गुड्स ही तो जाते हैं, और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर अगर हम रियल फ्लो की बात करें, रियल फ्लो, तो क्या जाएगा, सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज, सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ये वाला, ये सेल ऑफ गुड्स और ये वाला, ये सब किस में आ गया, रियल, रियल फ्लो में। और ये जो एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट, ये आ गया मनी फ्लो में। देखिए मनी की बात कर रहा है ना, तो मनी फ्लो में आ गया। बस इसमें एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुछ नहीं करा गया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रियल फ्लो मनी फ्लो को कंबाइन कर दिया गया है, और किसके बीच का, रियल फ्लो मनी फ्लो, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड ही है, ठीक है ना। और इसको टू सेक्टर इकोनॉमी क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ दो ही सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। अगर ये आपको समझना है तो रियल फ्लो आपको आना चाहिए, रियल फ्लो मनी फ्लो आपको आना चाहिए। रियल फ्लो मनी फ्लो अगर आपको आ गया तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए, अपोजिट ऊपर नीचे, बस आपका सर्कुलर फ्लो मॉडल बन गया, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब इंडिया ही से मतलब है। अब इंडिया के अंदर तीन सेक्टर होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, C+I+G। और अगर क्या कहते हैं आपको, ओपन आपने कर दी इकॉनमी, ओपन करेंगे इकॉनमी तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाएगा, तो तब एक क्वेश्चन बन जाती है C+I+G+X-M, ठीक है ना। आई मैंने क्यों लिखा, आई प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है ना, तो C+C कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो जब हम क्लोज इकोनॉमी मतलब होता है इंडिया से मतलब, ओपन इकोनॉमी मतलब होता है पूरे वर्ल्ड से मतलब, ठीक है ना। तो क्लोज इकोनॉमी में इंडिया में तीन सेक्टर होते हैं, कंज्यूमर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्लोज इकोनॉमी की सिचुएशन है। और ओपन इकोनॉमी की C+I+G+X-M, एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए अजम्पशन ऑफ द मॉडल, जो सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ा है हम लोगों ने, उसके कुछ अजम्पशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो मॉडल के दो अजम्पशन है, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकॉनमी, दो सेक्टर्स हैं हमारी इकॉनमी में। यहाँ हमने अजम्पशन क्या माना है, हमारे सिर्फ दो सेक्टर इकॉनमी, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। और जो हाउस होल्ड जो पूरा पैसा कमाएगा, जो जो हाउस होल्ड पूरा पैसा एंटायर इनकम है वो सेव नहीं करेगा, वो पूरा पूरा क्या कर देगा, खर्च कर लेगा। मतलब बात यहाँ ये बोल रहा है कि अगर आपने 10 रुपये कमाए तो 10 रुपये की आप पूरा पूरा क्या कर दोगे, खर्च करोगे, 10 रुपये में 5 रुपये आप सेव नहीं करोगे, मतलब लीकेज नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। लीकेज मतलब समझिए क्या होता है, अगर 10 रुपये आपकी इनकम हुई तो आपने क्या करा, 5 रुपये सेव कर लिया, तो एक फ्लो से 5 रुपये चला गया ना, तो मतलब लीकेज होता है, जो फ्लो से पैसा चला गया। अगर 10 रुपये आपने कमाया, 10 ही रुपये आपने खर्च कर दिए तो लीकेज नहीं हुआ, आपने पूरा पैसा मार्केट में है अभी, बट 5 रुपये अगर आपने खर्च कर दिए तो लीकेज हो गया, ठीक है ना। तीसरा अजम्पशन ये क्या है, हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल को समझाने के लिए हमने क्लोज इकोनॉमी मानी है, क्लोज इकोनॉमी की हेल्प ली है, और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कोई भी नहीं, और गवर्नमेंट सेक्टर की भी हेल्प नहीं ली है, ठीक है ना। मतलब कि चारों अजम्पशन आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला अजम्पशन था दो ही सेक्टर्स इकोनॉमी में है, हाउस होल्ड पूरी पूरी इनकम अपनी खर्च कर दे रहा है, कुछ भी सेव नहीं कर रहा है। तीसरा अजम्पशन ये है कि हमने डोमेस्टिक इकोनॉमी ली है, डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी ली है, क्लोज इकोनॉमी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से कोई मतलब नहीं है, और ना ही हमें गवर्नमेंट से मतलब है, ठीक है ना, हमें सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर से मतलब है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन समझिएगा, देखिए क्या लिखा है कि वैल्यू एडिशन, अब देखिए मान लीजिए एक बात समझिएगा, 10 रुपये का कोई रॉ मटेरियल था, उससे हमने 20 रुपये का कोई गुड्स बना दिया, तो हमने कितने का वैल्यू एडिशन करा, हमने करा वैल्यू एडिशन कितने का, 10 रुपये का करा, ठीक है। तो यहाँ ये अजम्पशन लिया गया है कि जितने का वैल्यू एडिशन करा गया है, जितने का वैल्यू एडिशन करा गया है वही उठा के किसको दे दिया गया है, वही उठा के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे दिया गया, मतलब कि समझिएगा, मतलब 10 रुपये का जो वैल्यू एडिशन करा गया था वही प्रोड्यूसर उठा के किसको पे कर देगा, जो हमारे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर थे, मतलब कि जितना उसने वैल्यू एडिशन करा उतनी वो फैक्टर पेमेंट कर दे रहा है। तो यही यहाँ लिखा है कि फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन, मतलब जितना प्रोडक्शन के टाइम वैल्यू एडिशन होगा, मतलब 10 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ था उतनी फैक्टर पेमेंट फर्म कर देंगी, ठीक है ना। तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू
हमारा फैक्टर पेमेंट है, दूसरा हमारा ये है कि जितना भी गुड्स, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो उतना ही लोग क्या कहते हैं खरीद लेंगे, जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ देखने को क्या मिल रहा है सर्कुलर फ्लो मॉडल में, देखिए सर्कुलर फ्लो मॉडल में ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, बट हमने जो सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ा उसको देखने के बाद हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है वो हम बता रहे हैं। दूसरा ये है कि जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ उतने ही क्या कर रहे हैं, उतने लोग खरीद ले रहे हैं, मतलब कि जितनी भी लोगों की इनकम है वो पूरी पूरी क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, यहाँ ये माना गया है। तीसरा ये माना गया कि वैल्यू एडिशन हमेशा किसके इक्वल होता है, इनकम जनरेशन के, मतलब जितना वैल्यू एडिशन हुआ उतना ही प्रोड्यूसर ने उठा के फैक्टर पेमेंट कर दी, और उतनी अगर फैक्टर पेमेंट कर दी तो लोगों ने पूरा पूरा पैसा गुड्स को खरीदने में खर्च कर दिया, मतलब यहाँ सेव नहीं हो रहा है और प्रोड्यूसर अपने पास भी कुछ नहीं रख रहा, प्रोड्यूसर जितना वैल्यू एडिशन कर रहा है उतना वो अपने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को पे कर देगा और वही लोग फिर क्या करेंगे उतना ही पैसे खर्च कर देंगे मार्केट में जाके, ठीक है ना। तो मनी फ्लो हमारा इसी को हम लोग ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, इसी को हम ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं, तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं। और मनी फ्लो है हमारा मॉनेटरी एक्सप्रेशन, और ब्रीफली हु कैन ऑब्जर्व, वही बात है कि जो हमारा ये चीजें हमने बताई हैं इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नया है। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, सबसे पहली बात हमें सर्कुलर फ्लो मॉडल से क्या पता चलता है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पता चलता है। अब नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम का देखिए वो डेफिनेशन क्या होती है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को क्या मिलता है रेंट, लेबर को क्या मिलता है वेजेस, कैपिटल को क्या मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है प्रॉफिट। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारी फैक्टर इनकम है, ठीक है ना, हाउस होल्ड के लिए क्या है फैक्टर इनकम है। तो नेशनल इनकम क्या है, इन सब चीज़ों का क्या है सम टोटल है, फैक्टर इनकम का सम टोटल है फ्लोइंग फ्रॉम, और फैक्टर इनकम कहाँ से कहाँ जाती है, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड ही तो जाती है, ये सारा पैसा कहाँ से कहाँ जाता है, ये सारा पैसा प्रोड्यूसर हाउस होल्ड ही को तो देता है। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि कहाँ से फ्लो हो रही है, प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड ऑफ अ कंट्री, इट मे ऑल्सो भी डिफाइंड एज द मार्केट। देखिए नेशनल इनकम की दो डिफिनेशन होती है, एक डिफिनेशन होती है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड सेक्टर, और एक नेशनल इनकम की और डिफिनेशन होती है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो दोनों डिफिनेशन सही है। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि सर्कुलर फ्लो मॉडल से हमें ये देखने को मिलता है कि फैक्टर इनकम कितनी हो रही है, फैक्टर इनकम का सम टोटल के बारे में पता चलता है, फैक्टर इनकम कहाँ से कहाँ जाती है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देता है, क्यों देता है, जब वो हाउस होल्ड से काम करवाता है, फैक्टर सर्विसेज लेता है तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देता है, ठीक है, फैक्टर पेमेंट करता है वही हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम है। दूसरी बात हमें यहाँ देखने को ये मिल रही है कि यहाँ एक सेक्टर एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है, हमने कैसे देखा हाउस होल्ड सेक्टर कैसे प्रोड्यूसर में डिपेंडेंट है और प्रोड्यूसर कैसे हाउस होल्ड में डिपेंडेंट है, एक सेक्टर एक दूसरे में क्या है इंटरडिपेंडेंस है, इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंस, एक सेक्टर एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंस, ये हमें देखने को मिला। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, ये हमारा लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो चैप्टर थर्ड होगा हमारा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस, थैंक यू वेरी मच।